बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि टाइटल डिस्प्यूट का फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट में। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सैयद कासिम रसूल इलियास साहब। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इस पूरे लीगल बैटल को फैसिलिटेट कर रही थी उसके स्पोक्स पर्सन हैं और बाबरी मस्जिद कमेटी के को कन्वेनर हैं। सर आज फैसला आया, आर यू सैड? देखिए, इस फैसले से हमें मायूसी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। हम ये तवक्को कर रहे थे कि जो सबूत हमने अदालत सामने रखे हैं, जो शवाहद दिए हैं, जो हकायक रखे हैं, जो दस्तावेजात दिए हैं डॉक्यूमेंट, उसके बुनियाद पे फैसला 100% हमारे हक में आएगा। लेकिन और कोर्ट बार बार ये कह रहा था कि हम फेथ के बुनियाद पे फैसला नहीं देंगे, हम जो है टाइटल का सूट है, टाइटल के बुनियाद पर फैसला देंगे। लेकिन टाइटल सूट डिसाइड नहीं किया कोर्ट ने, कोर्ट ने ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी की आस्था को सामने रखा और फैसला दे दिया। कोर्ट ने आज बार बार कहा है, कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा के क्लेम को रिजेक्ट किया, शिया वक्फ बोर्ड के क्लेम को रिजेक्ट किया और दो मेजर पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया, रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड। कोर्ट ने दोनों बात कही कि सुन्नी वक्फ बोर्ड भी अपने क्लेम को एस्टेब्लिश नहीं कर पाया, सिमिलरली हिंदू पार्टीज़ जो हैं वो भी क्लेम को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, फिर ये ऐसा जजमेंट क्यों? नहीं, मैं पहली बात तो ये है कि हमने क्लेम को इस्टेब्लिश नहीं किया, इसके पीछे कोई दलील सामने नहीं आई है। इसकी वजह ये है, आप लैंड रिकॉर्ड देखिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड देखिए, 1949 में आप कोर्ट ये मान रहा है कि मूर्तियां बाहर उठा के अंदर रखी गई है और उस मौके पर जो वहां के माता वो थे, सिपाही थे, उन्होंने जो FIR करवाई थी उसमें उन्होंने माना था कि बाबरी मस्जिद यहाँ पर नमाज होती रही 22 दिसंबर तक के, रात में मूर्तियाँ रखकर इसकी पवित्रता को भंग कर दिया गया। जस्ट वहाँ के जो कमिश्नर ओगरा साहब ने अपने हलफनामे में बात मानी थी, तो सारे सबूत तो मस्जिद के हक में थे। नहीं देखिए, असल में कोर्ट ये कहता है कि मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद है, लेकिन वो कहता है कि 1528 से 1857 तक के मस्जिद में रिकॉर्ड नमाज पढ़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं पेश किया गया। तो सवाल ही पैदा होता है कि उस वक्त में रिकॉर्ड रखने का कंसेप्ट था ही नहीं। हमने ये बताया था कि जो मस्जिद को ग्रांट मिलती थी मुगलिया सल्तनत से मिलती थी, बाद में अंग्रेज़ों से मिलती थी, उसके दस्तावेजात दिए हमने, उसके सबूत दिए। तो कोर्ट ने किस बुनियाद पे हमको इससे डिबार किया है, ये तो यानी ये पूरा फैसला हमारे समझ से कासिर है। कोर्ट में जब हियरिंग चल रही थी तो आखिरी दिनों की हियरिंग में बेसिकली आज का जो जजमेंट है वो एक उसका एक बड़ा हिस्सा ASI की रिपोर्ट पे बेस्ड है। जब हियरिंग हो रही थी उसके आखिरी दौर में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने या जो मुस्लिम पार्टीज़ हैं उन्होंने ASI के पूरी रिपोर्ट को कंटेस्ट नहीं किया था, वजह आपको नहीं लगता कि ये एक वजह हुई? नहीं, हमारे तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा एडवोकेट ने सिर्फ ASI पर ही बहस की है 1.5 दिन तक के, और उन्हें उस पूरी रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि ASI ने, पहली बात तो ये कि कहीं भी ये नहीं कहा और कोर्ट ने माना कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, ASI ने दावा नहीं किया। ये कहा जा रहा था कि ये विक्रमादित्य के ज़माने का मंदिर था, इस उन्होंने 1200 ईस्वी से पहले यानी के ज़माने में नीचे मंदिर के आसार दिखाए हैं। तो हमने ASI की रिपोर्ट पे तो बहुत तफसील से बहस की है, हमने तो पूरी ASI की रिपोर्ट को ख़त्म किया था और ये कहा था कि ASI की जो रिपोर्ट है वो ऐसी इस्टेब्लिश साइंस नहीं है कि जो बिल्कुल एक्यूरेटली कह दे कि ये चीज़ हम जो कह रहे हैं वही पत्थर की लकीर है। ये तो बात हमने तुम्हारे तरफ से कही गई थी। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या डिसाइड किया आपने? आपको लगा कि आपके साथ इंसाफ हुआ है? नहीं, हमारे साथ तो ना इंसाफी हुई है, लगना क्या है, तो साफ नज़र आ रहा है। अलबत्ता हमारे पास में अभी उसका रिव्यू पिटीशन का ऑप्शन बाकी है, हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे इंशाल्लाह। आपको लगता नहीं कि अब इस इशू को यहाँ छोड़ देना चाहिए, चूँकि एक लंबा लीगल बैटल है और उस लीगल बैटल के दो इम्पोर्टेंट स्टेज पे आपको नाकामयाबी हाथ लगी? हाँ, बात सही है आपकी। देखिए, लीगल बैटल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लीगल बैटल में सुप्रीम कोर्ट में एक ऑप्शन बाकी है, उस ऑप्शन को भी हम एग्जॉस्ट करेंगे, उसको हम
खामोश रहेंगे। आपका एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड रहा है कि जो कोर्ट का वर्डिक्ट होगा वो हम मानेंगे, तो आज क्या आज उस पर कायम है? हाँ बिल्कुल कायम है। देखिए कोर्ट का वर्डिक्ट से मतलब ये है कि हमारा जो स्टैंड है वो सुन लीजिए आप। हमने कहा वट एवर मे बी द फाइनल जुडिशियल वर्डिक्ट वी विल अबाइड बाय इट। तो फाइनल जुडिशियल वर्डिक्ट का मतलब ये होता है, एक सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है, इसमें दो ऑप्शन बाकी हैं, इन दो ऑप्शन को एग्जॉस्ट करने के बाद में अगर फैसला हमारे खिलाफ आता है तो हम मान लेंगे। कोर्ट ने रामायण और पुराण का जिक्र किया अपने जजमेंट में, और ट्रेवलॉग का जिक्र किया और आस्था का जिक्र किया, दूसरी तरफ ये भी कहा कि ये टाइटल डिस्प्यूट है, इसमें आस्था की कोई जगह नहीं है, लेकिन जो पूरा वर्डिक्ट आया उसमें आस्था को जगह दी गई है। यही कॉन्ट्रडिक्शन है इस फैसले का कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम फेथ के बुनियाद पर जजमेंट नहीं देंगे, टाइटल के बुनियाद पर जजमेंट। टाइटल की बुनियाद क्या होती है? टाइटल की बुनियाद होती है रेवेन्यू रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड, हलफनामे के सबूत, नमाज पढ़ने के सबूत, मस्जिद के ग्रांट के सबूत, ये तो हर चीज़ उसके हक में मौजूद थी बाबरी मस्जिद के। आप ये मानते हैं कि मस्जिद है, मस्जिद कायम की गई 1528 में, आपने माना मीर बाकी ने कायम की। उसके बाद आप ये मानते हैं कि 1949 में मूर्तियाँ रखी गई मस्जिद के अंदर, ये भी मानते हैं आप ये भी मानते हैं कि 1887 में रघुबर दास के जज में उसको पिटिशन को कोर्ट ने खारिज किया ये कह के मस्जिद है अब बगल में। तो ये सब मानने के बाद फिर आप कैसे हमको वहाँ से महरूम कर रहे हैं उस जगह से, ये बात समझ से कासिर है। देखिए हम इस तरह से देख रहे हैं कि एक मसला बहुत ज़माने से पेंडिंग था और उसको फाइनैलिटी दे दिया गया है, और उस फाइनैलिटी को हर हिंदुस्तानी को रिस्पेक्ट करना है और हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। फैसले की एक्यूरेसी के बारे में रिजर्वेशंस हैं और वो रहेंगे। हमने ये बताया कि फैसला जस्टिस बेस्ड है नहीं है उसके बारे में रिजर्वेशन है और वो रहेगा। वो चूँकि फाइनल हो गया है देश की सर्वोच्च अदालत से, तो उस फाइनैलिटी का सम्मान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों की सारी बातें मानी हैं और एक उनका जो विशेषाधिकार का पावर होता है उस पावर को इस्तेमाल करते हुए ये ज़मीन टेंपल को दिया है, उसके बारे में रिजर्वेशन है। हम अपना केस साबित कर पाए, जो हम बात कह रहे थे अदालत से ज़्यादातर बातों को अदालत ने माना है, इसलिए वहाँ तक हम इस बात से बिल्कुल संतुष्ट हैं। लेकिन विशेषाधिकार के ज़रिए टाइटल जो है ज़मीन की जो मालकाना हक है वो दूसरे पक्ष को दिया गया है, उस पर रिजर्वेशन है। लेकिन जब वो बात फाइनल हो गई है तो फाइनल हो गई। टेंपल साइट के लिए तो ये फाइनल हो गया, मुस्लिम साइट के लिए हम इसको एग्जामिन करके देखेंगे, अगर इसमें कुछ रिव्यू की गुंजाइश है तो वो रिव्यू फाइल होगा, जैसे जिलानी साहब ने ऑलरेडी कह दिया। Thank you.